Hello viewers, welcome to SK Tutorial. Today's video I will talk about 50% marks in physics, chemistry, and mathematics is mandatory for uh, taking admissions in BRK College. Let's try to understand in Hindi. My name is Sarapmar, and before starting today's video, I have one request with you. If you have came first time on SK Tutorial channel, then please subscribe now this channel for getting latest update related to new videos. Let's start now. तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 50% परसेंट मार्क्स फ़िजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में क्या ये इम्पॉर्टेंट है मैंडेटरी है यदि आप चाहते हैं बी आर का कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर्स का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं बी आर के कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो क्या ये 50 परसेंट मार्क्स इम्पॉर्टेंट है मैंडेटरी है क्या इस चीज़ को हम लोग जानते हैं तो चलिए इस चीज़ को समझने से पहले हम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए यदि हम लोग बी आर के कोर्स के लिए एडमिशंस लेते हैं तो हम लोग कौन कौन से एग्जामिनेशंस के थ्रू जा सकते हैं ऐसे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा लेकिन जो फर्स्ट कमर हैं इस चैनल पे इस वीडियोस को मुझे जो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो लोगों को मैं बता देता हूँ आप यदि बी आर के यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो आप वेरियस एग्जामेशंस को दे करके आप एडमिशंस ले सकते हैं ये सभी एग्जामेशंस बेसिकली इंट्रेंस एग्जामेशनस हैं जैसे कि आप जी मैन पेपर टू का एग्जामिनेशन दे करके या फिर आप नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर यानी नाटा एग्जामेशन को दे करके या फिर आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि ए पेपर को दे करके आप बेसिकली आर्किटेक्चर कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं लेकिन इस वीडियोज़ में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ नाटा एग्जामेशन के बारे में यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर्स के बारे में अगर मैं इस एग्जामिशंस की बात करूं तो इस एग्जामिशंस के नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका मैथमेटिक्स में जो है मैथमेटिक्स एज एन मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स में फिफ्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स होना चाहिए लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है यदि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिलो भी है फिफ्टी परसेंट मार्क्स से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खैर ये तो हो गया एग्जामिनेशंस में बैठने का एग्जामिशंस देने के लिए आपका बेसिक एलिजिबिलिटी की लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या यदि हमको फिफ्टी परसेंट से मार्क्स कम हैं तो क्या कॉलेज में एडमिशन्स लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्या तो मैं कहूँगा कुछ हद तक आ सकती है जैसे क्या प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब नाटा एग्जन संस्कृति देते हैं तो नाटा स्कोर कार्ड आता है तो जब आप एडमिशन्स लेने के लिए काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपको नाटा मेरिट रैंक कैलकुलेट किया जाता है अब जानते हैं हम लोग नाटा मेरिट रैंक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं नाटा मेरिट रैंक बेसिकली जो कैलकुलेट किया जाता है वो ट्वेल्थ का आपका परसेंटेज यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में तो उसका आपका परसेंटेज तो जो भी होता है दोनों में से कोई एक चीज़ जो आप किए होंगे तो बेसिकली इसका और नाटा स्कोर कार्ड का दोनों को जोड़ करके उसका एवरेज फाइंड किया जाता है तो यहाँ से आपका नाटा मेरिट रैंक कैलकुलेट होता है तो जितना आपका अच्छा रैंक होगा नाटा मेरिट रैंक उतना आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आपका 50 परसेंट से बिलो मार्क्स है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे चांसेस थोड़ा सा कम होते जाते हैं इस वजह से आप लोगों को यदि 50 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स है केमिस्ट्री में फ़िजिक्स में तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए तो ये नेसेसरी नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स में फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना नेसेसरी होता है लेकिन अगर मैं बात करूँ करंट सिनेरियो का तो नाटा टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनेशन के लिए न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली यदि आपको मैथमेटिक्स में भी 50% परसेंट से कम मार्क्स है फ़िजिक्स केमिस्ट्री में भी 50% परसेंट से कम मार्क्स है सिर्फ़ आप पास कर गए हैं टेन प्लस टू में या सिर्फ आप पास कर गए हैं डिप्लोमा में तो आप तो भी एलिजिबल हैं इस एग्जामेशन के लिए ये हालांकि सिर्फ 2020 ट्वेंटी एग्जामेशन यानी कि ये दिस इस ईयर में जो हो रहा है एग्जामिनेशन इसके लिए फ़िलहाल अभी है नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है नया रिफॉर्म होगा नोटिफिकेशन में ये बेसिकली किया गया है इस वजह से क्योंकि हम लोग जानते हैं सभी कोई कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एग्जामेशन नहीं दे पा रहे थे या इसका फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे थे उन्होंने उनके लिए बेसिकली एलिजिबिलिटी क्रटेडिया में एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्रटेरिया जो है इसमें कुछ रिफॉर्म किया गया छूट दिया गया ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सके और ये एक का कर सके तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस देखने के बाद बेसिकली आपका जो डाउट होता है कि किसेंट मार्क्स क्या मैंडेटरी है एडमिशन के लिए तो या नहीं रहेंगे 50 परसेंट मार्क्स तो क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे तो ये सभी डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा लेकिन यदि आपको ये वीडियोस देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है कोई आपको कंफ्यूजन्स है तो आप लोग इस वीडियोज के कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं मुझे आप सभी का कमेंट का सदैव इंतजार रहता है मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करता हूँ जो भी कमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लगता है कि नहीं या ये कमेंट का आंसर जो है आप लोगों को जानना चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ यदि उस कमेंट पर नंबर ऑफ लाइक्स ज़्यादा रहेंगे या डिमांड में ज़्यादा रहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर के आ जाता हूँ यदि एक इंडिविजुअली किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको वहीं पर रिप्ले कर देता हूँ तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये वीडियोज़ पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप एस के ट्यूटोरियल चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस को लाते रहता हूँ तो फ्रेंड्स इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम